morning, students. Myself Ramesh Yadav. Students, today we will discuss about the topic inspiration, chapter life process of the chapter 10. Students, we have studied about nutrition in plants as well as nutrition in animals. You see, living beings intake their food, digest, absorb their food materials and assimilate. So what is the process of respiration? Means respiration is the respiration kya hai? Oxidation of oxidation of assimilated molecules to release their bond energy. स्टूडेंट्स, क्या है रिस्पायरेशन? क्या है यह ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स मीन्स दो सबस्टेंस विच आर एसिमिलेटेड आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. फर्दर स्टूडेंट्स, रिस्पायरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रिस्पायरेशन है एनएरोबिक रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन जो है एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन. नाउ फर्स्ट वन, एरोबिक रिस्पायरेशन इज that respiration which occur in the presence of oxygen, means aerobic respiration occur in presence of oxygen, and anaerobic respiration in the absence of oxygen. Students, respiration completed in two process. First one, external respiration, and second one, respiration completed in two steps. It completed in two steps. First one, external respiration, means external respiration only gaseous exchange take place. Only gaseous exchange. It is a physical process. इसमें कोई या एक प्रक्रिया फिजिकल प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है. इसमें सर्टेन ओनली सर्टेन ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व. इसमें जो होता है
स्टूडेंट्स सेकेंड जो स्टेप्स है वो क्या है, इंटरनल रिस्पायरेशन। आंतरिक श्वसन ये क्या है, वाय श्वसन, इस वन इंटरनल रिस्पायरेशन इज अंत श्वसन। इन इंटरनल रिस्पायरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस एंड एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। स्टूडेंट्स जो इंटरनल रिस्पायरेशन जो है वह टू स्टेप्स में कंप्लीट होता है। देखेंगे हम स्टूडेंट्स इंटरनल रिस्पायरेशन जो होता है आफ्टर इन ऑल सेल्स, जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन था उसमें सर्टेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे, कुछ ऑर्गन इन्वॉल्व थे, बट इन इंटरनल रिस्पायरेशन इट अकर इन ऑल सेल्स। इंटरनल रिस्पायरेशन it completed it consists of two steps, at first glycolysis क्या है, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्या होता है इसमें, ग्लूकोज into pyruvate or pyruvic acid। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन C6H12O6 थ्री कार्बन कंपाउंड में
प्राइमरी क्या होती है, यह क्या है पाइरिवेट है। अब देखिए टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस 282। स्टूडेंट्स यह जो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वह सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और इसके ग्लूकोज के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पाइरूवेट पर एसिड या पाइरूवेट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लस एनर्जी। अब देखिए एनर्जी कितना मिली जाए होती है 282। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकल। और सिट्रिक एसिड साइकल यह जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट मूव्स टू माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ऑक्सीजन उपलब्ध है तो यह पाइरूवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ मूव करता है। अगर मीन्स अगर इफ ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट देन पाइरूवेट कन्वर्ट्स इनटू इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। देखिए क्रेब्स साइकिल क्या है, इट ऑफर्स इन द मैट्रिक्स का माइटोकॉन्ड्रिया जो है पायर इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, ये पायरुवेट जो है वह ऑक्सीडाइज होकर कोल एंजाइम एक की उपस्थिति में यह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और यह जो है टाइप को एंजाइम बनता है एसिटाइल को एंजाइम ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होती है प्लस एनर्जी। एनर्जी क्या टोटल एनर्जी क्या है या टोटल एनर्जी जो है 283 एनर्जी दी जा सकती है। अब देखिए आगे जो है यह स्टिप को एंजाइम ए जो है ए
ये सिटी कोएंजाइम मूव्स टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और वो अपर लेयर जो है ये सिटी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस हियर यू सी मींस यहां पर जो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में यह 34 एटीपी रिलीज आउट हो रहा है यह 2 एटीपी इसके पहले जो ग्लाइकोलाइसिस था यह 2 एटीपी 2 एटीपी एंड 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस का यह जो है ग्लाइकोलाइसिस ना तो इस प्रकार जो है टोटल गेन कितना है 38 एटीपी जो है रिलीज होता है एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से स्टूडेंट्स और अब्सेंस में जब अब्सेंस की अब्सेंस होती है तो ग्लाइकोलाइसिस तो होता है लेकिन अब्सेंस में जो पाइरुवेट है वह जो प्लांट्स में फंगी है या ईस्ट है कुछ फंगस जैसे ईस्ट है उसमें इथेनॉल में 2 कार्बन कंपाउंड इन जैसे शायद ग्लूकोज या जो है C6H12O6
ईस्ट में जो है, ईस्ट में जो यहाँ क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है एब्सेंस इन द एब्सेंस ऑफ ओटू, या कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल सी टू एच फाइव ओ एच प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यह इथेनॉल है एरोबिक ग्रुप। और मसल सेल्स में लाइक मसल सेल्स में क्या होता है, यह जो है इससे ह्यूमन मसल सेल्स में मसल्स में ड्यूरिंग विगोरस एक्टिविटी यह रिलीज होता है इन मसल्स में, मसल्स में मतलब लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो कि थ्री कार्बन कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और कम एनर्जी रिलीज होती है, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस होती है, ठीक है ना। तो आप जो है स्टूडेंट्स एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में हम देख लिए, अगर इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन कंसर्न विद फोन नंबर। ओके, थैंक यू।